बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है साजिद असलम और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यही टॉपिक है कि कॉपीराइट वर्क से चैनल मोनेटाइज हो जाता है और क्या कॉपीराइट वर्क से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो वही चीज़ें होता है और एक नहीं होता। अब यहाँ बात आती होता है तो कैसे होता है और नहीं होता तो क्यों नहीं होता। सबसे पहले नंबर पर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक चैनल मैंने बनाया। हमने उसके अंदर क्या करना है कि हम कोई भी फेमस चीज़ उठा के अपलोड कर देते हैं। हमें एक रात में मन के से ज़्यादा मतलब 4-5 हज़ार समझ लेके सब्सक्राइबर आ गए। हमने उसके ऊपर वॉच टाइम हमने लिया, अपनी वीडियोस अपलोड की, उसके ऊपर वॉच टाइम हमने किया पूरा 6 मंथ के अंदर या 8 मंथ के अंदर, तो हमने उसको अप्लाई कर दिया। तो इस सूरत में चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूट्यूब को पता है कि जो इसके पहले 4 हज़ार आए थे सब्सक्राइबर वो किन वीडियो पर आए थे और वीडियो कहाँ गई, रिमूव होगी तो वो आपका चैनल रीयूज़ की वजह से मतलब रिजेक्ट कर देगा। एक तो ये इशू हो जाएगा, एक ये हो जाएगा कि आप अभी इस चैनल को मोनेटाइज करने के अहम नहीं है। अब दो चीज़ें होंगी ये वाले। तो फर्स्ट टाइम 95% आपका चांस है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। इसीलिए आपको कॉपीराइट वर्क करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक दिन इतना खुश होते कि 4-5 हज़ार हमारे मतलब सब्सक्राइबर गेन हो गए, ये हो गया। तो देखिए ना कि आप 5 से 6 मंथ तक इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद आप वॉच टाइम पूरा करते हैं और फिर आपका ये इशू बन जाता है। तो इससे अच्छा है कॉपीराइट चैनल को बाय करना ही चाहिए एक नंबर पे ये। अब मोनेटाइज होता कैसे? एक दफ़ा तो वो आपका मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम उसके ऊपर वॉच टाइम फिर मुकम्मल करेंगे और फिर अगर आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो मे बी तकरीबन अप टू 60% आपके चांसेस होते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 100 में से 60% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा, लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं होगी कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा। तो इस चीज़ को आप देखते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो आप चैनल बाय कर रहे हैं उसके ऊपर वीडियो रिमूव होती हैं वो क्यों रिमूव होती है, इस चीज़ को आप देखें। वो आपका चैनल एक नंबर पे तो आपका 8 से 10 दिन या 1 वीक के अंदर सस्पेंड भी हो सकता है। उसके भी आपको 80 से ज़्यादा चांसेज होते हैं, 80-90% चांसेज होते हैं कि आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा यूट्यूब की जानब से। तीन चीज़ें आ गई, एक नंबर पर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और एक होगा तो कैसे होगा और एक के चैनल सस्पेंड हो जाएगा, और मतलब फोर्थ नंबर पे आती है जो उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सारे फेक होते हैं। अगर आप एक चैनल लेते हैं उसके ऊपर मतलब 10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो आप ये ना मत सोचें कि आपको 10 हज़ार सब्सक्राइबर में से जब आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके ऊपर 1 हज़ार व्यूज़ भी आएंगे, वो आपको भाई साहब 100 व्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो इसलिए कॉपीराइट वर्क से बचें, क्योंकि एक नंबर पे तो इसका कोई फायदा नहीं, अगर फायदा भी है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उल्टा आपको नुकसान होने के बाद आपको कुछ फायदा देता है। तो आज की हमारी नई यूट्यूबर्स के लिए यही वीडियो थी कि कॉपीराइट वर्क से आप कैसे बच सकते हैं और अगर आप करते हैं तो क्या होगा आपके साथ, अगर आप कॉपीराइट वाला चैनल बाय करते हैं तो क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।